गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे, नहीं उसके बाद फिर हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे। आज जो ये लास्ट बचा हुआ है इसको भी जान ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी एक चीज बच जाता है जो आपको क्लास 9 में सीखना है, ठीक है, कि रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। उसका वीडियो बन चुका है, अगर आप क्लास 8 में हैं और जानना चाहते हैं तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको अभी अपने टॉपिक को देखना है, अगले साल हम लोग उसको देखेंगे। तो नंबर लाइन पे आपने देखा होगा सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ होता है, फिर ये -1/3, 3/5 ये सब कहां पे मिलेगा, है ना। बहुत जानना जरूरी भी है। तो मैंने 5 तरह का डिफरेंट टाइप का लिया है ताकि इसके बाद कुछ छूटे नहीं आपका, ठीक है। सारा कुछ इसमें आ गया है, इसके बाद कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो पहला जो है वो हम लोग जानते हैं, एक नंबर लाइन आपको खींच लेना है और आप 0 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपको देखो कितना रिप्रेजेंट करना है। इतना बड़ा नंबर लाइन लेके क्या करेंगे हम लोग, इतना बड़ा जितना काम हो नहीं लेते हैं। अब यहां पे आपको एक बात देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपको सोचना है वो यही सोचना है कि ये जो लिखा हुआ है 1/3, ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये आप कैसे जानेंगे। तो आप 1/3 से डिवाइड करके देख लो, डिवाइड होगा, डिविजन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, डेसिमल में आ जाएगा, मतलब ये 1 से छोटा है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो है ये छोटा है 1 से, ठीक है। 1/3 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा है, ये 0 से तो बड़ा है, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये इसी बीच में रहने वाला है, ठीक है। 1 से छोटा और 0 से बड़ा। आप इसको पढ़ने का एक साधारण सा तरीका आप अपना लो, ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना सब ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ना है, 3 में 1, 1/3 है ना, मतलब 3 पार्ट में 1 पार्ट, 3 पार्ट में 1 पार्ट। तो चूंकि ये हमारा इसी के बीच में आ रहा है, इसी के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो 3 पार्ट कर लेना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। अब देखो गौर से, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। 3 पार्ट में कितना लेने वगैरह है, 3 पार्ट में सिर्फ आपको एक ही पार्ट चाहिए, है ना, 3 पार्ट में 1 पार्ट। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है, यही आपका पार्ट है, और ये जो पॉइंट है हम लोग इसी पॉइंट तक गए हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1/3। बस बात खत्म, इतना ही था, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यार डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, नहीं कुछ नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, नो यार नथिंग, जो सबसे इजिएस्ट मेथड है आप उसका यूज करो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने स्टूडेंट्स को बताया है और मुझे ये मेथड सबसे ज्यादा इजी लगा, ठीक है। एंड आई थिंक आपको भी इजी लगा होगा, कुछ खास है नहीं इसमें। दूसरा जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में आपका 3/5 है, नहीं तो आप स्टार्ट करना 0 से ही, यहां पे 1 लेंगे, यहां पे 2 और यहां पे 3। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने बताया चेक करने का तरीका कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सिंपल 3 में 5 से डिवाइड करना है। क्या डिवीजन पॉसिबल है, 5 1 से 5 होता है, तो 5 1 से भी आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये 3 ही है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये वाला जो है ये छोटा है 1 से। आपके दिमाग में ये बात चला गया कि 1 से छोटा है, तो जो 1 से छोटा होता है वो कहां होता है, 1 से छोटा इधर होगा, लेकिन ये 0 से बड़ा है तो ये इधर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहां पे, फिर पढ़ने का तरीका आपको ढूंढना होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़े। तो यहां पे देखो, अब मैंने क्या बताया था, 5 पार्ट में 3 पार्ट लेना है आपको, ठीक है। तो 5 पार्ट में 3 पार्ट कैसे हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच में आप 5 पार्ट पहले बना लो, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 के बीच में आएगा तो 5 पार्ट, ये 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट,
चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। पांच पार्ट में कितना चाहिए आपको? तीन पार्ट चाहिए। तो ये पहला पार्ट आपने ले लिया, दूसरा ले लिया और ये तीसरा पार्ट ले लिया। तीन पार्ट तो आप ले चुके हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 3/5 है। यही यही आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत आसान था ये, नहीं कुछ और डिफरेंट टाइप के इसमें और क्वेश्चन आते हैं जब मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी जान लेते हैं हम लोग। आप पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है, ताकि मैं जो भी बताऊं आप उसको लिख सके। वैसे वीडियोस तो यूट्यूब पे रहेंगे ही, आप जब चाहे उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और अभी अब देखते हैं कि ये 7/3 है, तो पहले चेक करना है कि क्या 7/3 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना सिखाया था मैंने आपको कि 7/3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से 2 टाइम्स डिवाइड लग जाएगा, नहीं 6 बचेगा कितना 1। अब क्या करना है आपको, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, 2 whole 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब बस आप जो पढ़े हो ना इसको, वही तो बात है। पहले हम लोग 1 2 3 इतना ही लेते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, 2 whole, कैसे पढ़ोगे आप इसको, 2 होल मतलब 2 पूरा चाहिए आपको, 2 होल मतलब 2 पूरा। तो पहले आप 2 पूरा ले लो, देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, हमने 2 पार्ट पूरा ले लिया है, ठीक है, पूरा बोलो या पूरी बोलो, है ना, पूरी तो खाने वाला होता है, यहां पूरा ही बोलते हैं हम लोग। तो 2 होल तो ले लिए, लेकिन अब क्या बच गया है, अब 1/3 बच गया है, 2 होल तो हम लोग ले चुके हैं, अब क्या बच गया है, 1/3, 1/3 बच गया है। तो 1/3 कहां पे लोगे आप, अब देखो यहां तो हम ले चुके हैं, अब इसी बीच में होगा ना, क्योंकि 3 तो पूरा है नहीं, अगर 3 होल होता तो आगे बढ़ते, लेकिन 2 ही होल है, तो बस यहीं तक लेना है, इसके बाद थोड़ा सा ही होने वाला है, ये बस समझ जाओ आप, क्योंकि 3 तक तो गया नहीं। अब क्या करना है, 3 पार्ट में 1 पार्ट, तो यहां तक जब ले ही चुके हैं तो इसी को 3 पार्ट में बांटना होगा, तो 1 पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट कर लिए, 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब क्या करना है आपको, 3 पार्ट में कितना पार्ट लेना है, 1/3। आप इसको ऐसे लिखना, देखो जैसे ये लिखा हुआ था ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 whole 1/3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 1/3, तो 2 तो हमने पूरा ले लिया, अब क्या बच गया है, 1/3, मतलब अगले 2 के बाद वाले को 3 पार्ट में बांटना है, उसमें 1 पार्ट ले लेना है, तो 3 पार्ट में हम लोग 1 पार्ट ले लेते हैं, पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं, 3 पार्ट में 1 पार्ट, तो 2 पूरा लेने के बाद 3 पार्ट में 1 पार्ट हम लोग ले चुके हैं। ये वाला जो आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है 7/3, ठीक है, यहां से यहां तक 7/3 है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, नहीं, और डिफिकल्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये आपको भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वीडियोस यहीं पे रहेंगे ही, आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो, सपोज कर लो कि 2 महीने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे दिमाग से थोड़ा सा मिस हो रहा है ये चीज, कोई बात नहीं, वीडियोस में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है, रेशनल नंबर का प्लेलिस्ट, वहां पे आप ढूंढेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा यही है, ऑनलाइन मैं वीडियोज में जो बनाता हूं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब चाहे तब आप देख सकते हैं, वापस से उसको याद कर सकते हैं। अभी आपका -3/5 है, ठीक है, तो पहले आप नंबर लाइन, अभी देखो माइनस में है तो ज्यादा हम लोग पीछे भी लेना होगा हम लोगों को, ठीक है, माइनस में है तो पीछे भी लेना होगा, तो हम लोग 0 यहां पे लेते हैं, यहां पे 1 लेते हैं, यहां -1 लेते हैं और यहां पे -2 लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये कहां पे होगा, समझना है पहले आपको, तो माइनस का चक्कर छोड़ो, अभी आप देखो कि क्या 3/5 से डिवाइड होगा, 3/5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो जब 3/5 से डिवाइड नहीं होगा मतलब ये 1 से कम है, नहीं मतलब कि ये -1 से पहले है, कम का मतलब -1 से इधर होगा और 0 से इधर होगा, 0 से बड़ा है और -1 से ये, तो कहां पे आप इसको चूज करोगे, तो देखो कुछ करना नहीं है आपको, देखना है, माइनस से कोई टेंशन नहीं है, माइनस है तो बस इस तरफ आ जाना है, प्लस था तो उस तरफ जाना है, 5 पार्ट में, चूंकि 1 से डिवाइड हुआ नहीं, 1 से डिवाइड नहीं हुआ, 3/5 जब 1 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये 1 से कम होगा, तो 1 तो चूंकि इस तरफ नहीं, माइनस में है, तुम लोग इस तरफ यूज करेंगे, इस तरफ आएंगे, हमने माइनस लिखा नहीं यहां पे,
तो इसके बीच में आप पांच पार्ट में तीन पार्ट, तो पांच पार्ट में बांट लो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट और पांच पार्ट। देखो पांच पार्ट हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। पांच पार्ट में कितना पार्ट लेना है आपको, तीन पार्ट लेना है, तो एक पार्ट, दो पार्ट और ये वाला आपका तीन पार्ट, ठीक है। देखो ये एक पार्ट, दो पार्ट एंड तीन पार्ट, ये वाला जो आपका पॉइंट आ गया, ये आ गया -3/5, ठीक है, -3/5। आपसे कोई ये पूछता है कि -3/5 -1 से बड़ा है या छोटा है, तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे इस तरफ हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ने का साइन यही है नंबर लाइन पे, तो इसके बाद ये आता है ना, तो ये बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये आप समझ गए है ना। अब हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां पे माइनस कर ही लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं, सब प्लस वाला था, ये माइनस वाला देख लेते हैं। तो फाइनली लास्ट हमारा ये है, इसके बाद कुछ भी रह नहीं जाएगा, सब कुछ आपसे बनेगा। माइनस में है तो हम लोग प्लस में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग यहां पे लिखते हैं बस, यहां पे 1 लिख लेते हैं बहुत करेंगे तो, यहां पे 0, यहां पे -1 एंड यहां पे -2, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है थोड़ा सा कि ये वाला जो पार्ट है ये 1 से, अब यहां पे चेक करो आप, -8/6 है ना, तो -8/6 है, तो क्या अभी माइनस छोड़ दो आप, 8 में तो 6 से डिवाइड लग जाएगा, लग जाएगा बिल्कुल है ना। अब 8 में 6 से डिवाइड लग जाएगा तो आपको देखना है कि क्या बात होने वाली है, 6 से 1 टाइम्स 6 दो बचेगा, आप इसको लिख सकते हैं कि 1 होल 2/6, क्या लिखेंगे आप इसको, 1 होल 2/6। इससे पहले आपको एक काम करना है, ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये अगर कट होके, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है तो आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे कट कर लें, चाहे आप यहां पे कट कर लें, बात बड़ा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहीं पे कट कर लो, ठीक है। जैसे 8 और 6 है तो आप डिवाइड करोगे इसको तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है, और -4/3 आने के बाद आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। अब आप -3 तो माइनस को हटाओ, आप 4 में डिवाइड कर लो, 3 से तो 1 टाइम लग जाएगा और बचेगा 1, इसको आप लिखोगे होल में तो क्या, कैसे लिखोगे, 1 होल 1/3 ये है, नहीं लेकिन ये माइनस में है, ये था माइनस में, मैंने माइनस लिखा नहीं है, मैंने माइनस लिखा नहीं, लेकिन ये है माइनस में, तो आपको इस तरफ चलना होगा, लेफ्ट साइड चलना होगा, राइट साइड नहीं जाएंगे हम लोग, तो मैंने प्लस लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लेना है आपको माइनस में, ठीक है। -1 पहले, 1 है ना, 1 पूरा है, तो 0 से आप यहां तक 1 ले लो पूरा, ठीक है, मैं यहां माइनस लगा ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो यहां लगा दिया माइनस, ठीक है। तो -1 तो हम लोग ले चुके हैं, अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए 3 में एक पार्ट चाहिए, 3 पार्ट में एक पार्ट, तो अब कहां पीछे नहीं जाना है, जो भी होगा इधर ही होगा, तो देखो -1 तो हम लोग ले चुके हैं, अब बच गया है वो 3 पार्ट में एक पार्ट, तो 3 पार्ट यहां पे आप देख लो, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट कर लिया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट में एक पार्ट चाहिए, तो एक पार्ट यहां पे लेके मिला दो आप इसको, देखो ये जो आपका आ गया पूरा, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, आप इसको -8/6 लिखो तो भी सही है, -4/3 लिखो, तो हम लोग यही लिख लेते हैं, -8/6, ये वाला पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ठीक है। इतने तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आप इतना सीख गए तो आप समझ जाओ कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप सीख चुके हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका टॉपिक लगभग आई थिंक क्लास 8 का यहाँ पे सिलेबस रैशनल नंबर का यहाँ पे एंड होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे है ना, उसके बाद अगला चैप्टर भी वीडियो बना हुआ है, बस मैं बस ये डालता हूं, उसके बाद फिर मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, लगातार पढ़ाई आपकी चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ उज्ज्वल मैथ्स पे, लगातार वीडियोज आते रहते हैं, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, बाय एंड टेक केयर।